हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जी शास्त्रक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी सीटीपीओ का एग्ज़ाम आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कि आप मेंस की तैयारी में जी जान से लग जाएंगे। तो मैं अपने तरफ से ये सबसे सटीक कट ऑफ अनुमान लगाने का प्रयास किया है और यह हमारे तरफ से संभावित कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने सीडीपीओ एग्ज़ाम दिया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम 15 मई को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न एक मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक मार्क्स के होते हैं, मतलब कुल मार्क्स 150 होते हैं और इसी पर कट ऑफ निर्धारित होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ निर्धारित करते हैं। उनमें से सबसे पहला फैक्टर्स है कि पदों की संख्या कितना है। तो आप लोग को मालूम है कि पदों की संख्या 55 है। वहीं पे अपीयरेंस की बात करेंगे तो अभी अप्रॉक्स से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट अपीयर होंगे और कितना अपीयर हुए हैं ये आज पता नहीं चल पाएगा। एक्चुअल फिगर जो है वो कल निकल कर सामने आएगी कि कितने स्टूडेंट्स भाग लिए हैं। जहाँ तक प्रश्नों की प्रकृति की बात है तो प्रश्नों की प्रकृति कुछ लोग हार्ड बता रहे हैं और कुछ लोग मॉडरेट बता रहे हैं। तो मैं मानकर चलता हूँ कि प्रश्नों की जो प्रकृति है वो मॉडरेट प्रकृति की रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में कुछ हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो बीपीएससी के नियमानुसार 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन ऐसा ट्रेंड में देखने को मिला है कि लगभग 15 गुना रिजल्ट आता है। तो लगभग 800 से 850 के बीच रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 800 से 850 के बीच रिजल्ट आने वाला है। तो जो मैं कट ऑफ अभी बताने जा रहा हूँ, जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये सभी फैक्टर पर, इन सभी फैक्टर पर निर्भर करता है और हमारे कट ऑफ में प्लस माइनस 2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। इसलिए ये अनुमानित कट ऑफ है, ये एक अनुमान है जो अभी तत्काल फीडबैक मिला है स्टूडेंट्स के द्वारा। उस फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। कुछ स्टूडेंट्स से बात करने के बाद, साथ साथ प्रश्नों को देखने के बाद जो फीडबैक मिला है उसी के आधार पर ये कट ऑफ निर्धारित किया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो चलिए कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं और ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस 2 अंक कट ऑफ में इधर उधर हो सकते हैं। तो जहाँ तक अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात है तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 104 से 108 के बीच जा सकता है। बहुत लोग बता रहे हैं 105 से 110, तो यह भी हो सकता है कि 105 से 110 के बीच जाए या 104 से 108 के बीच जाए, इसीलिए मैंने प्लस माइनस 2 का वेरिएशन रखा है। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 104 से 108 के बीच रहेगा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग कहेंगे कि सर हार्ड प्रश्न था, फिर भी इतना कट ऑफ क्या था? तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है और चूँकि स्टूडेंट्स जो है वो 67th बीपीएससी सीडीपीओ और बिहार एसआई का तैयारी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, इसलिए टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट कूट कूट कर लोगों में भरा हुआ है और लोग इधर बीपीएससी को लेकर के काफ़ी मेहनत भी किए हैं, इसीलिए कट ऑफ हाई जाएगा। तो जनरल का कट ऑफ 104 से 108 के बीच और फीमेल का 98 से 102 के बीच। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 96 to 98 या EWS फीमेल की बात करेंगे तो 90 से 92 के बीच कट ऑफ रहने का अनुमान है। वहीं BC कैटेगरी की बात करें तो BC कैटेगरी का 102 से 106 के बीच और BC महिला 96 से 98 के बीच। EBC की बात कर ले तो EBC का कट ऑफ 95 से 98 के बीच और महिला का 90 से 92 के बीच। वहीं SC कैटेगरी का 93 से 95 के बीच और ST महिला का कट ऑफ 86 से 88 के बीच। ST कैटेगरी का 94 से 96 का के बीच और 87 से 89 के बीच हो जाएगा महिला का कटअप। और BC लेडीज़ की बात कर लेंगे तो BC लेडीज़ 90 से 95 के बीच। वहीं अदर कैटेगरीज़ की बात कर लें तो जो लोग 90 प्लस हैं, जो हैंडीकैप्स है, फिजिकल हैंडीकैप्स है या स्वतंत्रता सेनानी कैटेगरी में आते हैं, तो वो 90 प्लस हैं, तो वो मेंस की तैयारी करें। आप लोग अगर इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो मेंस की तैयारी में अभी से जी जान से लग जाएं। ठीक है, मेंस की तैयारी अच्छी होगी तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर इस कट ऑफ के आसपास, क्या मैं कहूँगा कि अगर जो स्टूडेंट 100 प्लस है उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए जी जान से। ठीक है, जो 100 प्लस हैं उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में। और EWS EBC की बात कर ले तो जो लोग अगर 95 प्लस है EW और EBC तो उनको लग जाना चाहिए तैयारी में जी जान से। वहीं पे BC कैटेगरी भी 100 प्लस हैं तो उनको भी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ का मैंने एक अनुमान बता दिया है आप लोग का। अगर आप लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको मेंस की तैयारी में जी जान से लग जाना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे GS आज तक के मोबाइल ऐप पर
बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं बीएसएससी सीजीएल के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 67 के लिए टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। और अभी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर 18 मई तक 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जो डिस्काउंट दिया गया है उसके बाद भी आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज ही आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहते हैं, वहीं Facebook पेज पर भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।